हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। क्या आपने भी कभी टिकट विंडो के आगे अपनी टिकट लेने की वेट की होगी, या फिर बैंक में कभी आप किसी काम से गए हैं और लंबी लाइन में लग के अपनी बारी की वेट की होगी। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर अगर किसी जॉब को अपनी प्रोसेसिंग की वेट करनी है तो वो क्यू के अंदर अपनी वेट करता है, और यहाँ पर यूज़ होता है क्यू डाटा स्ट्रक्चर का। इस वीडियो में हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना और पढ़ना दोनों ही बहुत जरूरी है। तो गाइस, आप भी कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कभी बायर, अगर आपने ट्रैवल करना है, सपोज करो आप वहां पे जब एंट्री करते हैं, एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं, तो आप पहले अंदर जाने से पहले अपनी टिकट दिखाते हैं, वो भी लाइन में लग के, और उसके बाद जब आपको बोर्डिंग पास चाहिए, अंदर भी आपको आपकी वेरिफिकेशन होती है पासपोर्ट की, आपके आधार कार्ड की, वहाँ पे भी आपको लाइन में लगना पड़ता है, और जो पहले आता है उसका काम पहले होता है, राइट? इसी तरीके से होता है। उसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो सेम यही बिहेवियर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है। यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कभी किसी आपने लैब के अंदर ही देखा होगा अपनी, कि बहुत सारे कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर अटैच होता है और अलग अलग जगह से प्रिंट की कमांड दी जाती है, तो वहाँ पे एक प्रिंटर है, और प्रिंटर क्या करता है, अपने अंदर एक क्यू को मेंटेन रखता है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। वहाँ पे जो जॉब यानी कि जो प्रिंट की कमांड, जो डॉक्यूमेंट यानी कि आपने कहीं से अपना सीवी प्रिंट आउट निकालना है या कोई और डॉक्यूमेंट निकालना है, तो डॉक्यूमेंट वन, फिर दूसरे जो प्रिंट कमांड दी वो उसके पीछे लग जाता है लाइन में, फिर उसके पीछे लग जाता है फिर तीसरी कमांड, तो प्रिंटर क्या करता है, इसको सिक्वेंस में, एक ऑर्डर में इसको प्रिंट करवाता है वन बाय वन, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्यू डाटा स्ट्रक्चर वर्क कर रहा है। या फिर आपने कीबोर्ड पे अपनी की मतलब की आप एंटर करते हो, आपको तो लगता है कि मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वहाँ पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन एक क्यू मेंटेन की जाती है वहाँ पे कीबोर्ड के अंदर, जो आपकी जो की स्ट्रोक्स हैं उसको वन बाय वन प्रोसेस करता है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी हमारी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, और वो प्रोसेसिंग के लिए वेट कर रही है, आपने सीपीयू शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा आपकी वेटिंग क्यू होती है, रेडी क्यू होती है, वहाँ पे जॉब्स अपना वेट करती हैं, राइट? तो इस सारे सिनेरियो, इस सारी सिचुएशन के अंदर हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। अब जैसे कि इस वाले डायग्राम को देखो, ये हमारी रियल लाइफ का एग्जांपल है, कोई भी क्यू है। अब देखो, क्यू में रहना तो वैसे भी किसी को पसंद नहीं होता, इस वाले उसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई बर्गर खा रहा है वेट करने के लिए, कोई गुस्से में बात कर रहा है, कोई इधर डांट रहा है, तो ये सारी की सारी क्या है, क्यू बनी हुई है। मतलब ये जो पर्सन है ना, ये वाला जो पर्सन है, ये सबसे पहले आया था, ये क्या है, सबसे पहले आया फ्रंट वाली साइड पे, और ये अपना जो काम करके इधर रिसेप्शन पे अपना काम करके सबसे पहले ही बाहर जाएगा, ठीक है। और देखो, अब इसके बाद कोई नई एंट्री होती है या किसी और को कुछ भी चाहिए, टिकट चाहिए, तो वो यहाँ पे इस लेडी के पीछे यहाँ पे क्यू में लगेगा, ठीक है। ये एक क्यू का स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे ही पहले ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये इसके पीछे 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 ऐड होते रहे, ठीक है। तो देखो, अब ध्यान से देखो, ये पर्सन पहले आए थे और ये यहां से पहले जाएंगे, मतलब डिलीशन कहां से हो रही है, इस साइड से, फ्रंट वाली साइड से। और यहां पे देखो, कुछ भी आ रहा है, कहां से हो रही है एडिशन, पीछे से हो रही है यहां पे, राइट? तो इसके अंदर जो हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसके अंदर जो डिलीशन होती है वो इस एंड से होगी, फ्रंट एंड से, और जो एडिशन होगी वो यहां से, बैक से हो रही है, राइट? इसको ना टर्म्स, इसके कुछ नाम दे दिए गए एंड के, जो हमारे क्यू की जहां से डिलीशन होती है उसको हम बोलते हैं फ्रंट, और जहां से हमारी एडिशन होती है उसको हम बोलते हैं रियर, ठीक है। तो अब देखो, यहां से क्या हो रहा है, यहां से हो रही है डिलीशन और यहां से हमारी हो रही है एडिशन। अब डाटा स्ट्रक्चर की ना एक खास बात है, जब भी हम कोई डाटा स्ट्रक्चर इसमें लेते हैं तो हम विजुलाइज कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखो, यहाँ से पता चल रहा है ना कि हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा,
हम इस तरीके से इसको मैनुअली बना लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हमारा लॉजिक बनना बहुत इजी हो जाता है। हमारा जो माइंड है ना, वो पिक्चर को विजुलाइज करता है कि ये डाटा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब इसके दो एंड से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि तो हमने इस तरीके से बना लिया। उसी तरीके से हमने देखा होगा जब हमने स्टैक का बनाया था, हम वन एंड का यूज़ करते हैं उसके अंदर, तो हम इस तरीके से उसको बनाते हैं। उसके अंदर जो एडिशन और कहाँ से होगी, एक ही एंड से होती है, ठीक है। और उसका बिहेवियर क्या होगा जॉब्स का आने का या फिर डिलीशन का, वहां पे होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। लेकिन क्यू कैसे काम करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सपोज करो मैंने क्यू के अंदर कुछ ऐड करना है, हम अगर अपने कंप्यूटर की बात करें वहां पे क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज करना है। अब कुछ भी ऐड करना है, ठीक है, तो मान लो सपोज करो मुझे 5 एंटर करना है, तो 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अगर फिर मुझे 10 ऐड करना है, तो 10 यहाँ पे आ गया। फिर मुझे कुछ और ऐड करना है 20, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ऐसे 35। इस तरीके से हम ऐड करते जा रहे हैं, किस साइड से, बैक साइड से। और ये वाली कौन सी साइड है, रियर साइड है। और अगर हम मुझे डिलीट करना है ना, तो मैं क्या करूँगी, फ्रंट से डिलीट करूँगी, यानी कि 5 सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, डिलीट होगा। और ये इस एंड को क्या बोलते हैं हम, फ्रंट, ठीक है। डिलीशन यहाँ से हो रही है और एडिशन रियर वाली साइड से हो रही है। ठीक है, एक और चीज इसमें याद रखना। अब देखो हमने इसका स्ट्रक्चर तो देख लिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, अब हमें इसके अंदर ऑपरेशन भी पढ़ने पड़ेंगे ना, कि इसके ऑपरेशन कैसे करने हैं। तो इसके दो बेसिक जो ऑपरेशन होते हैं क्योंकि वो होते हैं एनक्यू और डीक्यू। वैसे एनक्यू और डीक्यू को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। एनक्यू देखो, जब भी कुछ हम एंटर करते हैं, जब भी कुछ हम ऐड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम क्यू के, क्यू डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एनक्यू, ठीक है। एडिशन ऑफ एन आइटम, और कुछ भी अगर हमने डिलीट करना है उसको हम बोलते हैं डीक्यू। ये हमारे दो बेसिक ऑपरेशंस हैं क्यू के अंदर। तो जो नॉन बेसिक ऑपरेशन है वो भी इसके साथ हेल्प करते हैं, इस ऑपरेशंस के साथ, वो भी हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया कि क्यू क्या होता है, उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझे। फ्रंट आपको पता होना चाहिए, रियर क्या होता है, फ्रंट क्या होता है, और इसका बिहेवियर क्या है क्यू डाटा स्ट्रक्चर का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले सर्व होगा। जैसे आपने देखा होगा कि सर्वर और क्लाइंट के केस में, अगर क्लाइंट्स बहुत सारे हैं और सर्वर एक ही, सर्वर तो एक ही होता है, अब उसको रिक्वेस्ट जो है सारों को सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो वो क्या करता है, क्यू मेंटेन करता है और एक एक करके सबको सर्विस मिलती है सर्वर की तरफ से। उसी तरीके से ये हमारा क्यू डाटा स्ट्रक्चर वर्क करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ क्यू डाटा स्ट्रक्चर। थैंक यू।